सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। और आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन के बारे में। काफ़ी कॉमन मेडिसिन इसे माना जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स कुछ दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के बाद इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना अनिवार्य समझते हैं, और काफ़ी सारे लोग मेडिसिन शॉप पर जाकर इस मेडिसिन को परचेज कर खुद से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन की पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है सभी मेडिसिंस के लिए डोजेस, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट कर रहे हैं तो क्या यह सही है। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जा कर मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन क्या है। रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन एक PPI है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो प्रोटोन पंप को ब्लॉक करता है और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर अपना काम करता है। तो आप जानते हैं रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन कौन कौन सी बीमारियों में मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। तो इसका इस्तेमाल मुख्यतः GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज और एसिड रिफ्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। यानी अगर आपके पेट में गैस की समस्या है, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्या है, गैस के कारण पेट दर्द की समस्या है, या तो फिर उल्टी की समस्या हो या मतली की समस्या हो, इन सभी चीज़ों में रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। उल्टी और मतली की जो समस्या है वो मुख्य रूप से डोम्प्रिडोन दूर करता है। रविप्राजोल आपके गैस की समस्या को ख़त्म करता है और गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या को ख़त्म करता है। तो इन सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। तो आप जानते हैं रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि सभी व्यक्तियों पर इसका दुष्प्रभाव देखा नहीं गया है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव काफ़ी सारे व्यक्तियों पर भी देखा गया है। इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो मुख्य रूप से सर दर्द की समस्या होती है। अगर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके बॉडी पर दिखा तो दस्त की समस्या हो सकती है, त्वचा पर चकते निकलने की भी समस्या देखी गई है, पेट दर्द की समस्या खास तौर पर देखी गई है अगर आप इस टैबलेट को खाते हैं, और किसी भी तरह का दुष्प्रभाव होता है तो थकान की समस्या देखी गई है, कमजोरी की समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे कॉमन दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस मेडिसिन के द्वारा देखी गई है। तो आप जानते हैं रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन के डोजेस के बारे में। इसके डोजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेडिकल शॉप से खुद से इस मेडिसिन को परचेज कर खाते हैं। तो इसके जो डोजेस हैं मुख्य रूप से बीमारी की जटिलता और व्यक्ति के वजन पर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स डोज नहीं है। डॉक्टर के द्वारा इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल किया करवाया जाता है। लेकिन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या है, जटिलता, बीमारी की जटिलता काफ़ी ज़्यादा है, तभी आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करें, अन्यथा इसका इस्तेमाल दिन में 1 बार ही करना चाहिए। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना खाने के आधे घंटे पहले करना चाहिए, यानी इम्पिटी स्टोमक में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्पिटी स्टोमक में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिला है, इसलिए इसका इस्तेमाल इम्पिटी स्टोमक में करने की सलाह दी जाती है। तो इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप खुद से इस मेडिसिन को परचेज कर खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। आप जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। रविप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन के प्रिकॉशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपको लीवर की समस्या है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के खुद से न करें। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तब भी इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जा रही है। अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, यानी विटामिन B12 की कमी है आपके शरीर में, तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन के खाने के बाद दिखता है तो इस मेडिसिन को तुरंत खाना बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।